मालिनी सड़क की सफाई का काम करके अपने दोनों बच्चों रवि और सोनी की परवरिश करती थी। मालिनी के पति 2 साल पहले ही तबीयत खराब होने की वजह से मर गए थे। तब से मालिनी अकेले ही बहुत मेहनत से काम करके अपने दोनों बच्चों को पढ़ा रही थी ताकि वो एक दिन बड़े अफसर बन सके। सोनी जल्दी करो मेरी बहन, स्कूल के लिए देर हो रही है। अभी आई भैया, माँ शाम तक नहीं आएगी ना, इसीलिए सारे घर की सफाई कर रही हूँ। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो सोनी, माँ वहाँ पर सुबह से शाम तक मेहनत करती है, घर पहुँचने के बाद तो सुकून मिलना चाहिए उन्हें। ये कहते हुए दोनों मिलकर सारे घर की सफाई करके ऐसे ही माँ के छोड़े हुए छोटे मोटे काम भी खत्म करके स्कूल के लिए निकलते हैं। ऐसे फिर सब शाम को मिलते हैं और सब साथ मिलकर खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। ये मालिनी के घर में रोज होता है। ऐसे ही एक दिन सुबह मालिनी हमेशा की तरह ही सुबह सुबह उठकर काम पर चली जाती है। बेटा सोनी, तुम्हारे भाई की तबीयत खराब है, इसीलिए वो अभी तक नहीं उठा है। उसके उठने के बाद उसे खाना देकर ही स्कूल जाओ, ठीक है ना बेटा? ठीक है माँ, आप भी अपना ख्याल रखना। उसके बाद मालिनी सड़क साफ करने के लिए चली जाती है। सोनी अपने भाई का उठने का इंतजार कर करके स्कूल चली जाती है। उसके जाने के कुछ ही देर बाद रवि उठता है। उठकर देखा तो घर पर कोई नहीं थे। घर में तो कोई नहीं है, कोई बात नहीं, मैं ही थोड़ा हिम्मत जुटाकर बाहर जाकर थोड़ी दवाइयां लेकर आता हूँ। मेरी वजह से माँ को और तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस ये बुखार जल्दी से कम हो जाए। ये कहते हुए थोड़ी बहुत ताकत इकट्ठा करके दवाइयां लेने के लिए जाता है और रास्ते में कमजोरी की वजह से गिर जाता है। तभी वहां पर एक आदमी आकर रवि को उठाता है। क्या छोटे, ऐसे गिर गए हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा सिर तो जल रहा है। मुझे कुछ ज्यादा ही बुखार हो गया है, दवाइयां लेने के लिए जा रहा था और कमजोरी की वजह से नीचे गिर गया। तुम घर में अपने किसी बड़े से ये काम कहे बिना खुद ही क्यों चले आए? घर में मैं और मेरी छोटी बहन अपने माँ के साथ रहते हैं। बहन स्कूल चली गई है और माँ हमारे लिए काफी मेहनत करती है, वो काम पर चली गई है, मैं उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता। ये कहते हुए अपने घर की स्थिति के बारे में सब बताता है रवि। सब सुनकर वो व्यक्ति, मेरे पास एक दवाई है, उसे खाने से तुम्हारा बुखार एक ही पल में गायब हो जाएगा, लेकिन वो दवाई थोड़ी महंगी है, एक बार उस दवाई को खाओगे तो बार बार आओगे, तुम ये बात याद भी नहीं रहेगी कि तुम्हें बुखार था, दे दूं? तबियत पहले जैसी हो गई तो माँ को मेरी वजह से और तकलीफ नहीं होगी। ये बात सोचकर रवि अपने छुपाए हुए पैसों से वो दवाई खरीद लेता है। उसके बाद वो आदमी उस दवाई का इस्तेमाल कैसे करना ये समझाकर वहाँ से चला जाता है। रवि उस आदमी ने जैसे कहा था ठीक वैसे ही उस दवाई का इस्तेमाल करके वहाँ से चला जाता है। हे ऊपर वाले, ये कैसी दवाई है, इससे इतना नशा क्यों हो रहा है? जो भी हो सुकून मिल रहा है। ये कहते हुए जाकर सो जाता है। फिर शाम को ही उठता है। उठ गए बेटा, कैसे है तबीयत, कुछ कम है या नहीं?
मुझे क्या हुआ है माँ? ये देखो कितना एक्टिव हूँ, आप मेरे बारे में भूल जाओ। अब वो दवाइयाँ बहुत अच्छी है, मुझे वो दवाइयाँ फिर से चाहिए। पता नहीं वो भैया कहाँ पर है। ये कहते हुए उस आदमी के दिए हुए पता पर जाता है। भैया मुझे आपकी दवाई फिर से चाहिए। हाँ तुम्हें भी आदत हो गई है, पैसे लेकर आए हो? नहीं भैया, मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने आपको दे दिए। बिना पैसे के मैं तुम्हें ये दवाई कैसे दे सकता हूँ बताओ? इस दवाइयों को लेने के लिए कितने लोग इंतजार कर रहे हो जानते हो? अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं उन्हें ही दे दूंगा। नहीं नहीं, वो दवाइयाँ मुझे ही चाहिए, मैं कैसे भी करके पैसे लेकर आता हूँ, किसी को मत दो दवाई। ये कहते हुए घर जाता है। घर में जाकर पैसों के लिए सारा घर छान मारता है। क्या ढूंढ रहे हो बेटा, क्या चाहिए तुम्हें और इतनी रात तक कहां पर जाकर आ रहे हो? माँ मुझे परेशान मत करो, मेरी मुझे पड़ी है और आप बीच में परेशान कर रही हो। कभी भी अपनी माँ को जवाब तक नहीं देने वाला ऐसे उल्टी बातें करते हुए देखकर काफी दुखी होती है मालिनी। लेकिन वो रवि से कुछ नहीं कहती, दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। अपनी माँ को वहाँ से जाते हुए देखकर चोरी से उनके पेटी में से पैसे चुरा लेता है रवि और वो दवाइयाँ खरीदने के लिए जाता है और वहीं पर उस दवाई का इस्तेमाल भी कर लेता है और सुबह की तरह ही आकर सो जाता है। अगले दिन सुबह मालिनी उस पैसों की पेटी को देखकर सोनी इस पैसों की पेटी में से तुमने पैसे निकाले हैं क्या बेटा? इसमें नहीं है। माँ भैया शाम को ही उसमें से पैसे लेकर बाहर चले गए थे, उन्होंने शाम को आप पर चिल्लाया था ना, इसीलिए डर के मारे कुछ नहीं कहा माँ। रवि रवि पैसों की पेटी में से मुझे बिना बताए पैसे क्यों निकाले तुमने? मुझे क्या जरूरत है पैसे निकालने की, मैंने नहीं निकाले। वैसे भी क्या मैं तुम्हें चोर लग रहा हूँ? ये कहते हुए गुस्से में वहाँ से चला जाता है रवि। रवि की हरकतें और झूठ बोलने लगना देखकर मालिनी को शक होता है, इसीलिए वो उस दिन काम पर गए बिना चुपके से अपने बेटे पर नजर रखती है। जैसे तैसे मैंने सोनी को तो स्कूल भेज दिया है, मैं भी भैया के पास जाता हूँ। ये कहते हुए फिर से घर लौटकर आकर रवि फिर से उन पैसों की पेटी में से पैसे लेकर जाता है और मालिनी उसका पीछा करने लगती है। भैया मैंने पैसे लेकर आया हूँ, अब दवाइयाँ दे दो। अरे ये तो रमेश है जो छोटे बच्चों को नशे की लत में लगा जाता है। हे ऊपर वाले, अब इसने मेरे बेटे को ही शिकार बना लिया। पता नहीं ये कमबख्त कितने मासूमों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, इसीलिए मेरे बेटे का भी बर्ताव कुछ दिनों से ऐसा हो गया है। ये कहते हुए उस रमेश को सबक सिखाकर उस नशे की आदत से अपने और बाकी बच्चों को छुटकारा दिलवाने की सोच लेती है और गांव के बड़े लोगों के पास और उन बच्चों की माँ उनके पास जाकर उन्हें सारी बात बताती है मालिनी। आज मेरे बेटे के साथ जो हो रहा है कल आपके साथ भी वही हो सकता है, और क्या पता हो भी रहा हो। वैसे भी ऐसे छोटे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे राक्षस को आजादी से घूमने देना अपनी ही लाल परवाही है। मालिनी ऐसे सबको समझाकर
उस नशे की दवाई के नुकसान के बारे में समझाती है। उसके बाद सब मिलकर पुलिस के पास आकर उनसे दरखास्त करते हैं और रमेश को पुलिस के हवाले करते हैं। आप सिर्फ सड़क ही सफाई नहीं करती हो, आप इस गांव को अंदर से कीड़ों की तरह खा रहे लोगों को भी साफ करती हो। भले ही ये अपना काम नहीं है, लेकिन आप एक जवान की तरह हिम्मत से सामने आकर ये साबित कर दिया है। आपने अपने बेटे की नहीं, सारे गांव के बेटों की जान बचकर ये साबित किया है कि आप माँ ही पहली जवान होती है अपनी हिफाजत करने में। ये कहते हुए सब मालिनी की तारीफ करते हैं। रवि भी अपनी माँ से माफी मांगकर उस आदत को दफन कर देता है।